नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम में बाल विकास के विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। यहां पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, 300 के 300 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। जो सीटेट एग्जाम हुई थी 2011 लगाकर 2020 में जो सीटेट एग्जाम हुई है उन सभी में से छाटे गए 30 प्रश्न हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके ऊपर भी पार्ट बनाए जाएंगे जब तक कि पूरे प्रश्न कवर नहीं हो जाते। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। जितने भी हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं उनकी जो सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, साथ ही साथ वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बाल विकास का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है। यहाँ पर आपको बताना है विकास एवं अधिगम के बीच वो कौन सा संबंध है जो सही प्रकार से सूचित करता है। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने का सिद्धांत यही है कि आप सभी को पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, चाहे तो आप पुश करके अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर भी दे सकते हैं, आपका आकलन भी कर सकते हैं कि इस तरीके से आपके सामने 30 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर जो विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध का जो सही प्रकार से सूचित करता है वो है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करूँगा, डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। दूसरा प्रश्न हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार से देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि या फिर एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है जो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है दोस्तों इनके अनुसार ये एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहीं प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं, मैंने पर्यावरण अध्ययन में आपको बताया था जो प्रश्न रिपीट हुए हैं। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ध्यान में रखना है कौन सा प्रश्न का क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कि वहाँ अवधि जो व्यस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा उसे किशोरावस्था कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या फिर एक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं उनका क्या करना चाहिए। यहाँ पर चार विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक या फिर बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। यहाँ पर चार विकल्प हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है सातवा, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको बताना है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा या फिर प्रतिमान। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है पियाजे के अनुसार। यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से, कि यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से कौन सा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है तुलना, समानता व असमानता बताने की योग्यता, ये प्रमुख कौशलों में से एक है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जिन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस
किस रूप में देखते हैं, यहाँ पर आपको बताना है ये अधिगम को किस रूप में देखते हैं जिन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिन प्याजे एवं लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है, प्राथमिक समाजीकरण का कौन माध्यम है, मीडिया है, परिवार है, विद्यालय या फिर सरकार है। तो यहाँ पर प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा परिवार होगा। प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम है वो परिवार होगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं या फिर द्वितीयक एजेंसियां हैं। तभी मैंने आपको बताया परिवार प्राथमिक एजेंसियां हैं, तो यहां पर जो पास पड़ोस है ये भी प्राथमिक एजेंसियां ही होगी। तो यहां पर परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जाता है। यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है कौन सी है। दोस्तों संज्ञानात्मक योग्यता पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाले चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ही संज्ञानात्मक योग्यता है पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाले। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना क्या प्रदर्शित करती या फिर क्या स्पष्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक्य की जो संकल्पना है ये स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से या फिर उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है, सामाजिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, संवेगात्मक विकास का है या फिर मानसिक विकास का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवेगात्मक विकास का है। ब्रिजेस के अनुसार जो उत्तेजना भाग है वो संवेगात्मक विकास का है, यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न में पूछा गया है मानव विकास के संबंध में वो कौन सा कथन है जो कि गलत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विकास रेखी होता है, विकास रेखी नहीं होता है, इसलिए यहाँ कथन गलत होगा मानव विकास के संबंध में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। यहाँ पर आपको बताना है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यहाँ किसने कहा, वुडवर्थ ने, रास ने, एनास्टेसी ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ रास ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या फिर भाषा का विकास है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यहाँ कथन मानसिक विकास है। कौन सा कथन है ये, यहाँ कथन मानसिक विकास होगा, यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर चार कथनों में से विकास के बारे में एक कथन सही है, वह कथन आपको पहचानना है चार विकल्पों में से। तो यहाँ पर जो सही कथन होगा वो रहेगा, विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, यह कथन सही रहेगा विकास के बारे में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही विकल्प विकास के बारे में असत्य रहेंगे, पहला वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था अवधि होती है कितने से कितने वर्ष तक की होती है? 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर जो मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है वो 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है, मध्य बाल्यावस्था की अवधि। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी अनुवांशिक संरचना से निर्धारित होती है, यह कथन ठीक है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको चार विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न में पूछा गया है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऐसा नहीं है। तो ये जो विकल्प रहेगा वो दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है, और यहाँ पर बताया गया है कि वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो विकल्प तीसरा रहेगा सी वाला, यह ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना आरंभ करता है, वो कौन सी प्रक्रिया है? सीखना है, परिपक्वता है, विकास है, या फिर सामाजिकरण है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सामाजिकरण। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना आरंभ करता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। यहां पर दिनचर्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, या फिर प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो यहाँ पर विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है, जो मनोविज्ञान शाला है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, इलाहाबाद में है, आगरा में, या फिर वाराणसी में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये इलाहाबाद में स्थित है मनोविज्ञान शाला, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर आपको बताना है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर है, हल है, पावलाव है, या फिर थंडाइक है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो स्किनर है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? यहाँ पर वृद्धि और विकास का आपको प्रथम चरण बताना है, शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, या फिर मानसिक विकास है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होगा वो शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास वृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके रिक्त स्थान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। यहाँ पर डी वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत, या फिर संस्कृति प्रभावित? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसी स्थिति को? भाषा निर्धारित कहते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और यहीं पर हमारे जो 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को भी डाउनलोड करके अपनी रेटिंग और सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।